हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना शॉपिंग हॉल दिखा रही हूँ, प्लांट शॉपिंग हॉल। अभी बहुत सारे पौधे एक से एक आएंगे रेनी सीजन में और आराम से लग भी जाते हैं, मरने का कम चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं रेनी सीजन में प्रीफर करती हूँ ज़्यादा ले लेने का, और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट या प्लांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मार्बल पोथोस है, ये मनी प्लांट का एक वेराइटी है। ये महंगा आता है, बहुत सुंदर लगता है, मेरे पास था मर गया, 100 रुपीज़ में दिया। छोटा सा है लेकिन डिवाइड करके दो में लगा सकते हैं आराम से, बहुत खूबसूरत लगता है। जब भर जाएगा बहुत जल्दी बढ़ता भी है ये, ठीक है। ये अबेलिया का प्लांट है, ये मेरे पास नहीं था, पिंक रंग का था, एकदम बुके की तरह होगा। जो वेंडर है वो हम लोग का ना सैटरडे मार्केट में लेके आता है, उसी से मैंने परचेज किया। ये कोई भी इससे नहीं है, नर्सरी से नहीं है, लोकल लेके आता है ठेले में, उसी से मैंने लिया। पिंक रंग का फ्लावर था, अभी मर गया है, गिर गया है, काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा भी था, वो महंगा था, ये 100 रुपया में दिया है। जल्दी बढ़ता है, ग्रोथ इसका बोले बहुत जल्दी होता है, पिंक रंग का बहुत सुंदर, जैसे बढ़ेगा फिर मैं दिखाऊंगी। ये स्पाइडर प्लांट का छोटा छोटा अभी पौधा है, पॉट के सहित मैं 100 100 में ली हूँ, दो दो है। ये बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत जल्दी बढ़ता भी है और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एक साथ तीन है, थोड़ा बढ़ जाए तो फिर मैं अलग पॉट में करूँगी। ये विद पॉट 100 100 दिया है दोनों। ये पान के पत्ते की तरह है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होता, मिनी वैरायटी है, इसका बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, ये मिनी वैरायटी है, एकदम टोटली इनडोर है, एकदम पूरा भर जाता है गमले में बहुत जल्दी। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका बड़ा वैरायटी मेरे पास है, ये छोटा बोल के दिया है, बोला अंदर एकदम इंडोर रखिए, बहुत अच्छे से होगा। ये एंथोरियम का प्लांट है, ये भी इंडोर है, इसमें फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर नहीं होगा, केवल पत्ता होगा, सुंदर लग रहा है देखिए, एकदम ग्रीन, ये भी इंडोर, इसे सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस पार्शियल लाइट रहे इनफ है। खिड़की के पास टेबल पर रख दूँगी, जब रखूँगी उस हिसाब से मैं दिखाऊँगी रिपोर्ट करने के बाद। ये बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम ग्रीन, और इसको भी चाहे तो हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, ये भी जल्दी ग्रो करता है। ग्रीन सिंगोनियम है, विद पॉट मैं 200 में ली हूँ, देखिए एकदम वेलवेट टच है, डार्क ग्रीन है ना, थोड़ा कॉस्टली आता है क्योंकि ये रेयर वैरायटी में है, और ये भी बहुत सुंदर होता है, ये भी इंडोर रख सकते हैं, सिंगोनियम का वैरायटी तो वैसे भी इंडोर रख सकता आदमी। ये एक सकलेंट का वैरायटी है, विथ पॉट मैं ली हूँ 300, बहुत अच्छा कंडीशन है भी नहीं भी है, इसको चाहे तो डिवाइड करूँगी मैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए सीजन तब मैं डिवाइड करूँगी। अच्छा बड़ा है, हेल्दी है, ये वाला तो काफ़ी हेल्दी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको यहाँ से प्लग करके मैं दूसरा बना सकती हूँ आराम से। 300 में थोड़ा महंगा है लेकिन खूबसूरत तो है ही, सकलेंट वैसे भी सुंदर लगता है। सकलेंट का मेरे पास बहुत वैरायटी है, मैं बाद में कभी स्पेसिफिक केवल सकलेंट पे बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। ये भी हैंगिंग में मिला है पॉट, इसका भी नाम मैं मुझे नहीं पता, ये फ्लावर नहीं आता है, केवल ये लीफी है, ये लेकिन बाहर आता है धूप में, विथ पॉट मुझे 120 में दिया है, बहुत खूबसूरत इसका पत्ता, क्लोज से भी देखें आप, इसको आराम से छोटा छोटा इसमें तोड़ के दूसरे पॉट में भी मैं लगा सकती हूँ, एक से कई पॉट बना सकती हूँ। ये पाइन का पौधा है, ये काफ़ी महंगा मिलता है, मेरे पास दो था, दोनों मर गया, पता नहीं क्यों मर जा रहा है, कुछ टाइम रहता है उसके बाद मर जाता है, एकदम सूख गया, लेकिन ये काफ़ी हेल्दी है, 200 में मिला, महंगा आता है ये, मेरे पास इससे अच्छा कंडीशन में था ये वाला पाइन का, ये दोनों का दोनों मर गया, पता नहीं क्यों। ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, अब तो ये थोड़ा सस्ता आने लगा, पहले बहुत महंगा आता था, ये 5-6 साल पहले ये 500 में दे रहा था, इस बार ये 200 में दिया, काफ़ी हेल्दी है, दो तीन पेड़ है इसमें पौधे, देखिए 1 2 3, बहुत सुंदर, ये तो टोटली इंडोर रहता है, 15-20 दिन में एक बार धूप में हल्का लाइट में निकाल दे, बहुत अच्छा ग्रो होता है,
एग्लोनीमा का भी मेरे पास 3-4 वैरायटी है, इसका भी अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगी, देखिए। ये कोलीस का पौधा है, अलग वैरायटी का, ये मेरे पास नहीं था, वो तो ऐसे ही दिया, इतना लेने पे ये ऐसे फ्री में दिया। ये प्लूमेरिया है, ये डार्क पर्पल कलर का है, पर्पल और वाइट कलर का, ये मिनी वैरायटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा होगा, इसका साइज छोटा ही रहेगा लेकिन फ्लावर बहुत अच्छे से आएगा। ये सेंटेड वाला नहीं है, ये हाइब्रिड वैरायटी का है। ये फाइकस का पौधा है, ये भी मुझे फ्री में दिया, इसको हम लोग बोनसाई बनाएंगे, मैं 2-3 लेके आई हूँ, तीनों को बनाना, पहले 2 बना चुकी हूँ, 3 और लेके आई हूँ, तीनों को बनाएंगे, इसीलिए फाइकस, ये बहुत आराम से हो जाता है और इजी टू ग्रो, आराम से धूप में रखें तो ज़्यादा बेटर है। ये नया सावर टैंक लेके आई हूँ, पहले वाला मेरा ख़राब हो गया था तो नया लिए, ये काफ़ी महंगा दिया, 350 का दिया है, लेकिन मजबूत है, आराम से 4-5 साल कहीं नहीं गया। आपको मेरा ये प्लांट शॉपिंग हॉल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा।